हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। सो फ्रेंड्स, आज से मैं यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट लेके आया हूँ। अगर फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट लेके आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा जो कि आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 17वां स्थान है। लेकिन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आप लोगों में से सभी को पता होगा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो फ्रेंड्स, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बस आपको इसमें उल्टा घटाना करना है। जैसे मतलब मैं 8 में से 1 घटाऊंगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और मैं 5 में से 1 घटाऊंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये 0 में से 2 घटाऊंगा तो यहाँ -2 आ जाएगा। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अगर ये ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 7 में से 1 घटा रहा हूँ तो यहाँ पे 6 आ रहा है, जो कि कार्बन का परमाणु क्रमांक है। तो फ्रेंड्स, आप स्ट्रिक्स के माध्यम से इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 17वां स्थान है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का 17वां स्थान है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कार्बन का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। और फ्रेंड्स, कार्बन की संयोजकता यानी कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लेवोशिए। फ्रेंड्स, मैंने इसकी भी एक ट्रिक बनाई है जिससे आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रसायन विज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है ना। रसायन विज्ञान यहाँ पे लिखा हुआ है। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं। और इसमें आपका राइट आंसर लेवोशिए दिया हुआ है, तो लेवोशिए में शिए, इस शब्द को पकड़िए, शिए, तो सीए में सबसे पहले इंग्लिश का वर्ड सी आ रहा है, शी सी आ रहा है ना। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं कि जहाँ भी आपको लिखा मिले आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे, तो रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, इसका फर्स्ट वर्ड सी होता है, और लेवोशिए में भी सी आ रहा है, शिए में। तो फ्रेंड्स, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेवोशिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र और अरब में रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम हुआ था। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई है जो कि प्राचीन नाम है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी मिस्र का। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा। तो फ्रेंड्स, आपको जहां कहीं भी नियम और परिस्थिति लिखा हुआ मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको भौतिक यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भौतिक रसायन में होती है। तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है,
सब लोग सोचते हैं कि अगर इसमें कार्बनिक यौगिक पूछा गया है तो इसके साथ कार्बन का हुई होना चाहिए, और कोई भी ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले मैं आपको आंसर राइट आंसर बता देता हूँ क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी CH4 यानी मीथेन। तो फ्रेंड्स कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तत्व साथ साथ होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में केवल कार्बन कार्बन ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी में भी, और SO2 यहाँ पे अकेले दी हुई है ऑप्शन डी में। तो फ्रेंड्स इसमें केवल ऑप्शन सी में ही कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ हैं। जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ होते हैं तो वे कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं कि जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ में रहेंगे वह यौगिक कार्बनिक यौगिक होंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक पूछा भी नहीं गया है, हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 65 से 90% होती है। फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चेचक के टीके के आविष्कारक हैं, यानी चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न में से जर्मनासी है, निम्न में से जर्मनासी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ए व बी दोनों। फ्रेंड्स आपको मालूम ही होगा कि डेटॉल तो जर्मनासी होता ही है, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोग इसका यूज़ भी करते हैं। और क्लोरोबेंजीन, बस आपको ये याद रखना है क्योंकि जब भी एक पेपर में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो दोनों ऑप्शन तो दिए होंगे आपको, डेटॉल याद रख डेटॉल तो आपको याद ही रहेगा, तो आप क्लोरोबेंजीन को याद कर लीजिए। तो इस तरह से ए व बी दोनों जर्मनासी हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है, पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी DDT पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको DDT का पूरा नाम मालूम होना चाहिए कि DDT का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो फ्रेंड्स ये DDT का पूरा नाम है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये DDT का पूरा नाम है। और फ्रेंड्स आपको इसका केमिकल फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो इसका केमिकल फॉर्मूला है रुक जाइए मैं एक साइड में लिख देता हूँ इसको, C14H9 एंड Cl5, ये DDT का केमिकल फॉर्मूला है, C14H9 और Cl5। तो फ्रेंड्स आपको DDT के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन अलग से पूछ लिया, मान लीजिए ये पूछ लिया कि DDT का पूरा नाम क्या है और DDT का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, BHC का पूरा नाम क्या है, BHC का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श गैस व्यवहार है एक, मतलब आदर्श गैस किस प्रकार का व्यवहार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी यह एक परिकल्पना है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को उपयोग में लाया जाता है? प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी क्लोरीन को उपयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं आपको, ये भी मतलब याद होने चाहिए क्योंकि इसमें लास्ट ईयर का पेपर मैंने चेक किया था, उसमें अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए थे। तो
तो आपको थ्योरी भी थोड़ा मालूम होनी चाहिए। तो मैं आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ कि रसायन विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अल्केमी के प्राचीन अध्ययन पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोचिए कि इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अगर मान लीजिए अभी पूछ ले कि रसायन विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसके प्राचीन अध्ययन पर आधारित है, तो आप इसमें अल्केमी टिक कर सकते हैं। तो आपको ये तथ्य याद होना जरूरी है। नेक्स्ट दिया हुआ है, रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हमारे भोजन, पानी, वायु सभी मूलभूत आवश्यकताओं में विद्यमान है। तो फ्रेंड्स, इससे कुछ क्वेश्चन तो बन नहीं सकता है, पर फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर में अधिकांश भाग जल होता है, जो लगभग 65 से 90% तक होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था, क्वेश्चन इसका दिया हुआ था। तो ये तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन आ जाए। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इसके बाद लिखा हुआ है, इस एक तथ्य से रसायन विज्ञान के महत्व का आकलन किया जा सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ये भी मैंने क्वेश्चन में आपको बता दिया था। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण तथ्य थे इस लेसन से। मैंने जितना इस वीडियो में आपको बताया, इससे बाहर का तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। और लास्ट में एक नोट पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। मैं इसको पढ़ के आपको सुना देता हूँ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का 17वां स्थान है। तो ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि आपको मतलब उल्टा घटाना करना है, मतलब घटाव कर देना है। 7 में से 1 घटाएंगे, 6 आ जाएगा। और 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है। अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर आपको याद है, तो इस क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर उसके बाद यह, जबकि इसके यौगिकों की संख्या प्रकृति में हाइड्रोजन के यौगिक के बाद सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपके केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया है। इससे बाहर से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना ही इससे अधिक पूछा जाएगा। तो मेरी तरफ से यह लेसन पूरा फिनिश हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको एक बार रिवाइज कर लेना है कि सभी क्वेश्चनों को एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप चेक भी कर सकते हैं बुक में, अगर आपके पास बुक होगी तो। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप के बनते नहीं हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2019 के केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन फिनिश करवा दिया है। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पहला लेसन लाया था केमिस्ट्री का। मैं कल आपके लिए केमिस्ट्री का दूसरा लेसन लेके आऊँगा और उसको भी पूरा ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।